यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। उन दिनों में मैं सारे इसराइली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यो कहता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली, जंगल में उन पर अनुग्रह हुआ, मैं इसराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर करुणा करके खींच लिया है। हे इसराइली कुमारी कन्या, मैं तुम्हें फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरून के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे कि उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चले, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि याकूब की श्रेष्ठ जाति के कारण आनंद से जय जयकार करो, फिर ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो कि हे यहोवा, अपनी प्रजा इसराइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पर पहुंचाए जाएंगे और मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इसराइल का पिता हूं और एप्रेम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इसराइलियों को तित्तर बित्तर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। यहोवा ने याकूब छुड़ा तो लिया और उसके शत्रु के पंजे से जो उसके अधिक बलवंत थे छुड़ा लिया है, इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल और भेड़ बकरियों और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान यहोवा से पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुवारियां नाचती हुई आनंद करेगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा और शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा और मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, वरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह भी कहता है कि सुन, रामानगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। सो यहोवा यो कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि अंत में तेरी आशा पूरी होंगी, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एप्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है कि तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैं फिर जाने के बाद पछताया और सिखाए जाने के बाद छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया।
क्या एप्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूं, तब तब मुझे उसका स्मरण आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर जाता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंभे और दंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की तो एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जब मैं यहूदी बंधुओं को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा कि हे धर्म भरे वासस्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। और यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे। और मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा, और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के लड़के बाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता और नष्ट करता और काट डालता और सत्यानाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे कि जंगली दाख खाए तो पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे तो हो गए उनके वंश के, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। हरेक मनुष्य अपने ही अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति हुआ तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। यहोवा की यह वाणी है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा का ज्ञान सीखो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य के और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारांगन के नियम ठहराए हैं, और समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यो कहता है कि जब वे नियम मेरे सामने से टल जाएंगे तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में एक जाति ठहरने से सदा के लिए छूट जाए। यहोवा यो भी कहता है कि जब ऊपर से आकाश मापा जाएगा और नीचे से पृथ्वी की नेव खोद खोद कर पता लगाया जाए, तभी मैं इस्राएल के सारे वंश के सब पापों के कारण उनसे हाथ उठाऊंगा। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आ रहे हैं कि जिनमें वह नगर हननेल के घुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा, और मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेंगी, और लोथो और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत हैं और घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक
जितनी भूमि है वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। वह नगर सदा के लिए फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा।